हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस डे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रोमन नंबर के बारे में, है ना। रोमन नंबर के बारे में पढ़े थे, रोमन नंबर के बारे में जाने गए थे, रोमन नंबर किस प्रकार से है ना, एड के बारे में जाने थे, रोमन नंबर को न्यूमरल्स में किस प्रकार से राइट करनी है और न्यूमरल्स को रोमन नंबर में किस प्रकार से राइट करनी है। और मैंने बताया था कि आपको जितने सारे रोमन नंबर्स का न्यूमरल्स है ना, रोमन नंबर्स को हिंदी अरेबिक नंबर न्यूमरल्स में किस प्रकार से राइट करते हैं और हिंदी अरेबिक को रोमन नंबर्स में किस प्रकार से राइट करते हैं, वो आपके जो एक्सरसाइज के जो प्रीवियस चैप्टर में था उसको मैंने रिमेम्बर करने के लिए कहा था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से उसे कम्प्लीट कर चुके होंगे। अब हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है एडिशन, लेसन 4 एक्सरसाइज 5 में एडिशन यानी कि जोड़, विदाउट कैरिंग के यानी कि बिना पंचा का, है ना, हम लोग को पढ़ना है। तो विदाउट कैरिंग के बारे में हम एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बट हमें क्या है 9, 6, 3, 2, 4, 2, 2, 3, है ना, ये जो है आपका विदाउट कैरिंग का क्या है, एड है। तो वंस, टेंस, थाउजेंड, हंड्रेड एंड थाउजेंड, हमें या 4 डिजिट का जो एड है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे और सीखेंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान पूर्वक ध्यान देंगे कि आप जो भी एड बनाएंगे या एड सीखेंगे उसे बिल्कुल आप अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक केयरफुली होकर आप जो है उसे देखेंगे और पढ़ेंगे। आप लोग को माइंडसेट यही रखना है ना, आप लोग जो है अपना माइंड को इधर उधर नहीं करना है, यानी कि आपको माइंड को यहीं पे कॉन्सेंट्रेट करना है। लेकिन अब जो है हमें पढ़ना है एड के बारे में, एडिशन के बारे में, जोड़ के बारे में, बट एक इसमें भी एक शर्त है कि विदाउट कैरिंग के बारे में हम लोग को पढ़ना है ना, विदाउट कैरिंग के बारे में सीखनी है कि किस प्रकार से। तो जिस प्रकार से हम लोग कैरिंग होता है तो कैरिंग में जो आपका नेक्स्ट में जुट जाता है, ऐड हो जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें कैरी होगा ही नहीं। तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, हमें 4 डिजिट का एड के बारे में पढ़ना है, यानी 4 डिजिट वाले नंबर के एड के बारे में पढ़नी है, वो भी विदाउट कैरी के बारे में सीखनी है, जाननी है। तो 2 एंड 4, तो 2 प्लस 4 को ऐड करेंगे, तो 2 प्लस 4 को ऐड करने पर हमें क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, क्या आएगा, 6, गुड, है ना। अब 1000 के प्लेस, सॉरी 10th के प्लेस पे क्या है, 3 एंड 2 को ऐड करना है, तो 3 और प्लस 2, तो 3 और 2, 5। नेक्स्ट है आपका 6 एंड प्लस 2, तो 6, 2, 8, है ना। और नेक्स्ट जो होगा वो आपका है 9 एंड 3, और 9 एंड 3 को ऐड करेंगे तो 9, 3, 12, है ना। आप जो है इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, ऐड बना सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा ये जो 3 कॉलम के बारे में आप जानेंगे, ये तो 2 कॉलम में थे, है ना। अब हमें जो थोड़ा हम लोग 3 कॉलम में, 3 कॉलम के बारे में सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग जो है वह 3 कॉलम को ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे है, बस जस्ट सेम ही है इसमें, बट 3 कॉलम में आपका जो ऐड है वो दिया गया है और इसे क्या करना है, आपको बनाना है। तो 3 कॉलम को ऐड करने के लिए हमें क्या होगा, जिस प्रकार से हमें ये ऐड करते थे उसी प्रकार से हम लोग इसे भी ऐड करेंगे। तो 2 प्लस 3 क्या होगा, 2 प्लस 3, 5 होगा, और 5 और फिर उसके बाद हमें 4 ये है, तो इसे 4 को भी हमें क्या करनी है, ऐड करनी है। तो 2 प्लस 3 प्लस 4
और ये जो जितने 3 डिजिट है इसे हमें क्या करनी है, ऐड करनी है। ऐड करने पर जो रिजल्ट आएगा वो उसके हम लोग सामने राइट कर देंगे। तो 2 प्लस 6 नो 2 प्लस 3 6 होगा, 2 प्लस 3 6 होगा, नो क्या होगा 5 होगा। एंड 5 प्लस 4 तो 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। व्हाट गुड 9 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका 3 प्लस 2 क्या होगा 5 5 प्लस 3 व्हाट गुड 8। नेक्स्ट क्या होगा 6 प्लस 1 7 7 to 9 गुड गुड। नेक्स्ट क्या है आपका 9 1 10 10 to 12 ये हो गया आपका 3 कॉलम वाले एड। और हम लोगों को नेक्स्ट जो है अरेंजिंग कॉलम्स एंड फाइंड द सम। नेक्स्ट जो है इस प्रकार से ये जो आपका है क्वेश्चन जो है वो अरेंज करना है, यानी कि इसे हमें क्या होगा पैटर्न टाइप का दिया हुआ है 2 3 4 5 प्लस 6 2 3 4 ये इस प्रकार से आपका दिया हुआ है पैटर्न टाइप का। हमें क्या करना है इसे कॉलम में अरेंज करना है, यानी कि सजा लेना है और फिर उसे ऐड करने ही है 2 3 4 5 4 3 2 6 ये हो गए कॉलम में हमने इसे अरेंज कर लिया। अब हमें जो भी जैसे हम लोगों ने पिछले में हम लोगों ने ऐड किया था उसी प्रकार से इसे भी ऐड करेंगे। 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 गुड 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 3 प्लस 2 व्हाट 5 और 6 टू व्हाट 8 क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शाबाश। उसी प्रकार आपका नेक्स्ट जो होगा वो क्वेश्चन 3 कॉलम या 4 कॉलम में होगा, है ना, 3 कॉलम हो या 4 कॉलम हो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको क्या करनी है कि जो भी जो क्वेश्चन होगा इस प्रकार से उसे कॉलम में सजा लेंगे और उसे क्या करना है उसे फिर हम लोग है ना ये इस टाइप का क्वेश्चन फिर आएगा। तो इसे हम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसे फिर से कॉलम में अरेंज कर लेंगे और अरेंज करने के बाद इसे हम लोग ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही इसका आंसर होगा। तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 और 8 में 0 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 8 तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 होगा नो क्या 7 गुड और 7 में प्लस 0 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 7 ही होगा। तो 7 4 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या 4 और 2 6 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 सॉरी 3 और 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 और 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 गुड क्या बात है। तो ये जो हो गए वो आपका आंसर आया, यानी जो हमें ऐड करने पर जो प्राप्त जो नंबर आया जो गेट हमें नंबर मालूम हुआ वो आपका क्या होगा आंसर होगा। तो आप लोग जो है वह इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं क्लिक से, बस जस्ट सेम ही है ना, कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें और कुछ आपको करनी है, इसे केवल अरेंज कर लेना है कॉलम में अरेंज करने के आफ्टर आप जो है इसे क्या करनी है
ऐड कर लेनी है और ऐड करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से दिया है। अब कहेंगे कि सर इसमें प्लस का सिंबल है ही नहीं, लेकिन बट आपका जो टॉपिक है अरेंज कॉलम्स एंड ऐड, आपको कॉलम में क्या करना है, सजा लेना है, अरेंज कर लेना है और उसे आफ्टर क्या करना है, ऐड कर लेनी है। तो यह कॉमा का जो प्लेस है वहां पर है, किसका सिंबल होना चाहिए था, प्लस का होना चाहिए था, यहाँ भी क्या होना चाहिए था, प्लस का सिंबल होना चाहिए था। आप इस प्रकार से इसे अरेंज कर लेंगे और फिर इसे हम लोग आसानी पूर्वक ऐड कर सकते हैं। ये इस प्रकार से हो गया, तो 2 1 3 8 0 0 क्या होगा, 8 प्लस 0 8 और 8 प्लस 0 क्या होगा, 8 3 1 4 प्लस 0 क्या होगा, 4 6 2 8 1 9 गुड। इस प्रकार से आपका क्या होगा, ऐड बनेगा। और ये जो आपका लेसन 4 का एक्सरसाइज जो है वह 6 जो है वह आपका एंड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज में ऐड के ही बारे में पढ़ेंगे, बट उसमें आपका क्या होगा, विद कैरिंग वाला, यानी कि आपको पैंचा वाला जो है ना वो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कैरिंग वाला ऐड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का मेरा बहुत सारा प्यार और थैंक्स टू